क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? मिस्टर राम, हैरत है, आप लाइफ में कभी मस्जिद नहीं गए, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी इबादत नहीं की, ये कैसे हो सकता है? कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब हम साथ करेंगे। याद है एक मर्तबा आपने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स याद है, तुम्हारी कहीं भी बात कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी लिस्ट में मैं सबसे ऊपर अपना नाम सुनना चाहता था, जो कि कहीं नहीं था। आपको पता है मैं अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ। Then I must finally thank God कि तुमने किसी गोश्तपोश के इंसान का नाम लिए दे दिया मेरे सामने। पता नहीं मुझे कितनी तकलीफ होती, शायद जान से मार देता। तुमने गॉड का नाम लिया ना, ठीक है, तुम जितना चाहो अपने गॉड से प्यार करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे गॉड के बीच में कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन दुआ, इंसानों की लिस्ट में तुम्हारा नंबर वन हमेशा मैं होऊंगा। मेरे और मेरे गॉड के बीच में नहीं आएंगे? गॉड आपका भी तो है ना मुस्तफा, आप भी तो उसी की मखलूक हैं। दुआ जी, तुम्हें पता है मामा ठीक कहती हैं। क्या कहती हैं? कि तुम बहुत डिफरेंट हो, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाया। अब देखो ना, हमारी नई नई शादी हुई है, मैं तुम्हें बाहर लेके निकला, सोचा हम लोग रोमांस करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। देयर इज नो एंजॉयमेंट, यू टुक मी टू अ रिलीजियस स्पॉट। बॉबी, तुम तो गए काम से। Hey! There you go. नहीं, पैसे नहीं चाहिए, आप ये रख लो। Sweet. These are for you. Thank you. Very pretty. Not more than you are. Najma! Najma! बेटा कुक से कह देना साहब को दोपहर को फिश दे दे और रात को पास्ता। जी ठीक है। ठीक है, एक हफ्ता रह गया तुम्हारी फ्लाइट को और तुमने अभी तक अपनी पैकिंग नहीं की। सुनो, वो जो पेपर्स तुमने कहे थे ना, फोन आ गया इस्लामाबाद से, बन गए, तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली तुम तो जाओगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। अब जानती हो मॉम, मैं जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ दुआ के साथ। हाय अल्लाह, मेरा बेटा तो मेरे हाथों से निकल गया। But I'm very happy. He's in safe hands now. तुम्हें पता है कितनी फिक्रमंद थी मैं तुम्हारे लिए, लेकिन जब से दुआ से रिश्ता जुड़ा है, मेरी सारी फिक्रें हवा बन के होती हैं। I'm very happy. Okay. वैसे वो मैं ही सोच रहा था, अगर मैं दुआ को अपने साथ अमेरिका ले जाऊँ, वो मान जाएगी? खुदा के लिए बॉबी, अब ये मिस क्रिएट मत करना।
फिलहाल ऐसी बात भी ना करना उससे। निकाह को देने कितने हुए? उसका पहले एतमाद तो तुम पे कायम हो, उसे एतबार होना चाहिए तुम पे पहले। ओके मॉम। अच्छा मैं सोच रहा था मैं उसको यहाँ ले आऊँ। उसे अपना घर नहीं देखा, उसको अपना घर तो देख लेना चाहिए। हाँ ले आना, लेकिन जिस दिन मैं घर पे हूँ मुझे नहीं लगता मेरी गैर मौजूदगी में दुआ तुम्हारे साथ ही आने पर राजी होगी। अच्छा मुझे एक तो बहुत जरूरी काम है, फ्लाइट से पहले मैं निकल रही हूँ। हाँ भाई फोन तो अंदर ही है, तुम अपनी पैकिंग कर लेना। ओके बाय, टेक केयर, सेफ फ्लाइट, बी गुड। तो मॉम कह रही हैं कि उसको मुझ पे भरोसा होना चाहिए, मैं भी तो यही चाह रहा हूँ। आंटी आप यहाँ कैसे? अरे वालेकुम अस्सलाम दाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं असल में जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। और ये देखिए अपॉइंटमेंट लेटर। कांग्रेचुलेशंस भाई, अब तो ट्रीट बनती है। बिल्कुल माय प्लेजर। आप प्लीज घर पे आइए ना। अच्छा बॉबी को साथ लाइएगा, गपशप करेंगे, डिनर करते हैं साथ। बेटा आज तो मैं जरूरी काम से सांबा जा रही हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही वापस आऊंगी ना हमारे। श्योर, हम लोग इंतजार करेंगे। ओके बेटा, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। नहीं यार मुझे बहुत काम है पता है। एक सेकंड मेरा फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय स्वीटी, कैसे हैं आप? फाइन, अच्छा हूँ, लकी हूँ और आजकल बहुत खुश और मुतमईन भी। अच्छा ऑफ कोर्स, तुम जो मिल गई हो, किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत होने का एहसास मुझे बहुत डिफरेंट महसूस करा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं में उड़ा हूँ। ओके आओ ना, एक दूसरे का हाथ थाम के उड़ने एक्सपीरियंस करते हैं, मजा ही कुछ और। मैं कुछ समझी नहीं। तो मेरी बातें समझती ही कहाँ, अगर समझती होती तो तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हारे दिल के कितना करीब हूँ। Look on your right. अरे Thank you.
थैंक यू। How are you? I'm good. चले कहाँ? जहाँ मैं बोलूँ। लेकिन लेकिन क्या? तुम बीवी हो मेरी। अच्छा मैं अम्मा को बता देती हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं दुआ को आज अपना घर दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ और रात देर तक छोड़ दूंगा। तुम जानती हो ना मैं नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रहा हूँ और तुम्हारे साथ जिस कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अम्मा मान गई? ऑफ कोर्स, कैसे नहीं मानेगी? तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा है, भगा के थोड़ी लेके जा रहा हूँ। Let's go. चले। ज्वाइनिंग कब से देनी है ये बताओ। बस मंडे से। कोई हुई तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस है। जी। फिर तुम ये लीजिए सज्जाद साहब, बेटे की नौकरी की खुशी में मुंह मीठा करें। शुक्र है परवरदिगार का, उसने हर नेमत अता कर दी इस घर में। मेरा बेटा। दुआ को तो बुलाए। दुआ मुस्तजाब के साथ गई। साहब के साथ कहा? मुस्तजाब की फ्लाइट है अगले हफ्ते, अमेरिका जा रहा है ना, तो वो जा रहा था कुछ वक्त स्पेंड करे दुआ के साथ, और फिर दुआ ने उन लोगों का घर भी नहीं देखा। हो सकता है शकीला से मिलवाने भी ले जाए। तो ये कब तक वापस आएगी? जल्दी आ जाएगी। बेटा आज तो मैं जरूरी काम से इस्लामाबाद जा रही हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही वापस आऊंगी ना हमारे। मुस्तजाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं, और अब तुम आ गई हो और खूबसूरत हो जाएगा। Let's go. और फाइनली ये है मेरा well, in fact, हमारा बेडरूम। I hope you like it. It's nice. Thanks. तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना रेडी करने का कहता हूँ। शकीला आंटी कहाँ हैं? वो यही है, आती होगी। Don't worry. Sir, dinner is ready. Serve कर दी? नहीं, I'll serve myself. तुम लोग सब जा सकते हो। सर मैं भी जाऊँ, क्योंकि डिनर के बाद आपको डेजर्ट और ग्रीन टी भी सर्व करनी थी। Don't worry. I'll take care of everything. Thank you.
यकीन रखता हूँ कि इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता है। अरे शूज तो उतारे। Oh my God, Dua, you scared me. क्या ये फॉर्मेलिटी में पढ़ना जरूरी है मेरे लिए? आप लाइफ में कभी मस्जिद नहीं गए, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी इबादत नहीं की, ये कैसे हो सकता है? कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। तुम्हारे पास ही आ रहा था। आओ, ये देखो, ये टेबल मैंने तुम्हारे लिए खुद ऑर्गेनाइज किया है। प्लीज हैव अ सीट। बारिश हो रही है मिस्टर साहब। लेकिन इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? बारिश बाहर हो रही है और हम लोग घर के अंदर हैं। मिस्टर साहब, मुझे घर जाना है, अपने घर। ये भी तुम्हारा ही घर है दुआ, मेरा और तुम्हारा घर है। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेहतर होगा अब इस टॉपिक पे दोबारा बात ना करें। दुआ, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारी खातिर मैंने बहुत कुछ माना है, तुम जो बोलती गई मैं करता गया। कभी तुम भी मेरी कोई बात मान के देखो। क्या क्या चाहते हैं आप? तू सच बता, तो इंसान की बनाई हुई ये बेजा लिमिट्स और बाउंड्रीज, इनको खत्म करना चाहता हूँ। खानदान, अखलाक, माशरा, कुछ भी बीच में लाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकलिटी है और ये इंसान की नेचर है। I really like this about West. वहाँ पे इन फजूल चीजों पे ज्यादा अटेंशन या तवज्जो नहीं दी जाती। मैं जाना चाहती हूँ, आपकी सोच क्या कहती है? किस बारे में? हमारे दीन और उसके अहकामात के बारे में। आप दीन को किस नजर से देखते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। दुआ, मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ और इस हिसाब से मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मुझे हमारे रिलीजन के बारे में कोई इल्म नहीं है। तो आपका मतलब है हमारी जिंदगी के मामलात में दीन की कोई अहमियत नहीं है? मैं जिंदगी को ज्यादा डिफिकल्ट करने का कायल नहीं हूँ। आप कौन सी मुश्किल की बात कर रहे हैं मिस्टर साहब? वो जात जो ये जमीन और आसमान के निजाम को चला रही है, उसके अहकामात को मानना हमारे लिए कब से मुश्किल हो गया? उस जात के आगे सरेंडर करना ही हमारा अकीदा है ना? घर जाना, अपने घर भी और इसी वक्त। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जो इंसान खुदा पर भरोसा नहीं करता, मैं उस पर कैसे कर सकती हूँ? तुम कैसे घर जा सकती हो दुआ? मेरा रास्ता मत रोके मिस्टर साहब, मुझे घर जाना है। तुम्हें पाने के लिए, अपना बनाने के लिए क्या कुछ किया है मैंने? इन कैंडल्स को देखो, कतरा कतरा बन के पिघल रही है दुआ। मैंने तो सुना था कि प्यार किसी को भी पिघला देता है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू दुआ? व्हाई आर यू सो कोल्ड? आप फिर एतबार तोड़ रहे हैं। और ये याद रखिएगा, अगर आज आपने मुझे जाने नहीं दिया तो
मैं सारी जिंदगी आप पे एतबार नहीं कर सकूंगी। अच्छा, और अगर मैं जाने दूंगा तो तुम्हें मुझ पे एतबार रहेगा? हाँ। और अगर तुम यहां से चली गई तो मेरा दिल टूट जाएगा। अभी तुम ही डिसाइड कर लो दुआ कि तुम्हारा एतबार ज्यादा जरूरी है या मेरा दिल। मुझे सच सच पता है मुझसे जा, हम आज यहाँ तन्हा क्यों? शकील आंटी कहाँ है? इस्लामाबाद। आप मुझे धोखे से यहाँ लेकर आए हैं ना? दुआ अगर मैं यहाँ पे किसी और को लेकर आता तो वो धोखा होता। दुआ तुम यहाँ से नहीं जा सकती। दुआ बाहर बारिश। दुआ क्या हुआ? दुआ दुआ क्या हुआ है? कुछ नहीं, सजाब मुझे छोड़ने आ ही रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम रो क्यों रही हो? बारिश हो रही है ना, तुम्हें पता है मुझे रात की बारिश से डर लगता है। बहुत अंधेरी और वीरान होती है किसी अजनबी की तरह। दुआ, कॉफी। थैंक्स। अपसेट क्यों? किसने कहा? तुम्हारी खामोशी ना, खामोशी जुबान से ज्यादा सच्ची और साफ को होती है। तुम्हें पता है जो चीज जुबान छुपाती है खामोशी सब कह देती है। मैं बहुत खौफजदा हो गई हूं दाई, वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, इतना कि मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। मैं यकीन के रास्ते पर सच्चाई की रोशनी के साथ चलने की कोशिश करती हूँ, और वो अनजान पुरखतर रस्तों पर बिना सोचे समझे दौड़ने का आदि। ये रिश्ता कैसे निभेगा दाई? सुनो दुआ, रिश्ते जोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें समझना और फिर समझ के निभाना असल इम्तिहान होता है। तुम्हें थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा मार्जिन देना होगा, और इसके लिए तहम्मुल और बर्दाश्त की बड़ी जरूरत होती है। उसकी सोचे भी बेलगाम है, ख्वाहिशात भी। जो जी में आता है बोल देता है, जो जी में आता है करना चाहता है। अरे तुम बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो दुआ, बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो तुम। अरे बाबा देखो तो वो आया कहाँ से है, उसकी जवानी, उसका बचपन, उसका लड़कपन गुजरा कहाँ है? अमेरिका से आया वो यार, एक आजाद माशरे में बिना किसी रोक टोक के उसने जिंदगी गुजारी है। और शकीला आंटी, उन्हें तो आधी से ज्यादा जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी है। ना तो उसके सर पे माँ का हाथ, ना बाप का साया, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद ना तो वो आवारा है, ना वो बदमाश है। हाँ, लेकिन एक बात तय, वो एक अच्छा और बाशऊर इंसान है। मतलब मुझे ये पता है कि वो देर से ही सही,
लेकिन वो अगले का पॉइंट ऑफ व्यू ना समझ जाता है, और तुमको भी उसको पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। थैंक यू दाई, तुम्हारी बातें बारिश जैसी हैं, जहन पर छाए सारे वसवसों की धुंध साफ कर देती है। I'm lucky that you're my brother. I love you. I love you too. कॉफी तो बड़े मजे की बनाई है। हाँ, बड़ी लकी होने वाली बीवी। होने वाली, मिल तो जाए। इतनी जल्दी? हाँ, अच्छा अच्छा। I hate him. I hate him. I hate him. तुम्हें दुआ को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था बॉबी। Why not? Why? वो बीवी है मेरी। दुनिया का कोई कानून उसको मुझसे मिलने से नहीं रोक सकता, ना उसके और मेरे बीच में आ सकता है। तो फिर वो क्यों? And why every goddamn time? तुम इस मामले में जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहे हो, और जिन मामलों में जरूरत से ज्यादा जज्बाती हुआ जाए वो रिश्तों को खराब करते। Try to understand this, Bobby. मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसको लेके अमेरिका जा रहा हूँ। What? हाँ, इसमें इतना हैरान हुई कि क्या बात है? आप जानती हैं कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, और दुआ के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? कि मैं उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूं, और फिर शॉन होने का कानूनी हक इस्तेमाल करके उसको अमेरिका अपने साथ ले जाऊं। रही बात उसकी एजुकेशन की, तो जिस यूनिवर्सिटी में बोलेगी, मनी टॉक्स, आई विल गेट हर एडमिशन। आई डोंट केयर यार। ये मेरी जिद है बॉबी, मेरी बात सुनो। लुक एट मी, तुम ऐसी कोई अहमकाना हरकत नहीं करोगे। माँ हूं तुम्हारी, साथ नहीं रही लेकिन तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। जहां तुम इमोशनल होते हैं वहां से तुम्हारी क्रेजीनेस की शुरुआत होती है, और इस मामले में तुम पागलपन की हद तक इमोशनल हो चुके हो। वॉर्न कर रही हूँ तुम, अगर तुम इसी तरह अंधाधुंध आगे बढ़ते रहे तो खो दोगे दुआ को। दुआ को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। Calm down. मुझे सोचने दो कुछ, मैं कोई वे आउट निकालती हूँ। लेकिन तुम अपने इन ख्यालात का और बेजा जिद का इजहार उन लोगों से नहीं करोगे, किसी से भी नहीं करोगे। Promise me, Bobby, कि तुम कभी दीन, मजहब और फेथ पे दुआ से बहस नहीं करोगे। Please, Bobby, promise me. पूरे खानदान, रिश्तेदार, अजीजों, अकारिब सब में मानो हलचल सी मच गई है। क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हारा मस्तजाब से निकाह जो हो गया, किस्मत ने कैसे आगे बढ़कर तुम्हारा माथा चूम लिया, माशाल्लाह। अम्मा, लेकिन मस्तजाब में ऐसी क्या बात है? कितनी सीधी, कितनी भोली है मेरी बेटी। अरे पगली, लड़कियों की माएँ दुआएं करती हैं अपनी बेटियों के नसीब खुलने की, और एक मैं हूँ, बिन मांगे ही आसमान का चमकता चांद मिल गया मुझे। तुम नहीं जानती मुस्तजाब पर कितनी नजरें थी, कितने ही घरानों में उसके अमेरिका से लौटने का इंतजार हो रहा था, शकीला के आगे पीछे घूमते थे लोग।
अरे अम्मा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या बात है मुझसे जॉब में। अरे अरे अरे, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई खामी दिखाई देती है तुम्हें? हर वो खूबी जो किसी मर्द की शख्सियत का खासा होती है, सब मौजूद है उसमें। सच पूछो तो तुम्हारे अब्बू खुशी से फूले नहीं समा रहे, बात बे बात बस तुम्हारी शादी का जिक्र करते रहते हैं। और क्यों ना हो भाई, अपनी लाडों से पाली बेटी को एक अच्छा सा घराना मिल जाए और क्या। और अगर तुम यहां से चली गई तो मेरा दिल टूट जाएगा। अभी तुम्हें डिसाइड कर लो दुआ कि तुम्हारा एतबार ज्यादा जरूरी है या मेरा दिल। इतना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको। सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी के, दिल ने देखी बना है तेरी। अकेला जिस तरह से पर जज्बाती होकर सोच रही हो दुआ, बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो तुम। बाबा देखो तो कि वो आया कहाँ से, उसकी जवानी, उसका बचपन, उसका लड़कपन गुजरा कहाँ है। अमेरिका से आया वो यार, एक आजाद माशरे में बिना किसी रोक टोक के उसने जिंदगी गुजारी।